तो यहाँ पे हमारा ये मोटर रेडी हो चुका है, अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। हम आज ये तजर्बा करने जा रहे हैं कि जब हम अपने घर के वाटर पंप को चला के इसके ज़रिए पानी भरते हैं तो उस वक्त हम इसके साथ इस मोटर को भी अटैच करें, वाटर पंप की पुली के ज़रिए इस मोटर को भी घुमाएँ, और ज़ाहिर जब इसे हम घुमाते हैं तो कुछ ना कुछ वोल्ट यहाँ पर जनरेट होता है। तो हमें ये देखना है कि कितना वोल्ट यहाँ से जनरेट हो रहा है, क्या इसके ज़रिए हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या फिर अपनी किसी डीसी चीज़ों को चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी तजर्बे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास डंकी पंप है, अगर डंकी पंप की जगह हमारे पास मोनोब्लॉक मोटर हो या फिर बोरिंग वाली मोटर हो डी वेल की, तो उस पर भी हम यह तजर्बा कर सकते हैं। डंकी पंप के मोटर के ज़रिए किस तरह हम इस डीसी मोटर को चलाएंगे, इसके लिए हमने एक लकड़ी का फट्टा बनाया है और ऑलरेडी इसमें हमने एसी मोटर को फिट किया हुआ है। अब ये जिस तरह से मोटर चलती है उसी तरह से ये प्रॉपर चल रही होती है। अब हमने डीसी मोटर को लगाने के लिए इसके पीछे वाले कवर को खोलना है। इसके पीछे वाले कवर को हम खोलेंगे और इसकी जगह हम पुली लगाएंगे, और पुली लगा के फिर इस मोटर को यहाँ पे फिट करेंगे। उसके बाद जब हम इस मोटर के ज़रिए पानी भरेंगे तो ये मोटर पीछे वाली पुली के ज़रिए घूमेगी और यहाँ पे वोल्ट जनरेट होगा, करंट जनरेट होगी। फिर हम ये चेक करेंगे कि इस मोटर से कितना करंट निकल रहा है और इससे हम क्या काम ले सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक तजर्बा है और ये हम करके आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले हम इस मोटर के बैक कवर को खोल लेते हैं और फिर आगे की बातें करेंगे। यहाँ पर मैं आप दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कि बात की पूरी समझ आ सके, और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे पहले से ही हमने बोल्ट वगैरह लगाया हुआ था कि वीडियो बनाने में देर ना हो, और देखें पीछे मोटर के बैक साइड पर एक पंखा लगा हुआ है, तो इस पंखे को हमें खोल लेना है। हमने पंखे को उतार दिया है और ये देखें हमारे पास एक वॉशिंग मशीन की बेल्ट पुली है, तो इस बेल्ट पुली को हम यहाँ पर लगा देंगे और इसके ऊपर बेल्ट चढ़ा देंगे। उस मोटर के ज़रिए पानी भरेंगे तो ये मोटर की शाफ्ट तो वैसे ही घूम रही होती है, तो उस शाफ्ट के ज़रिए ये वाली डीसी मोटर भी घूमेगी। दोस्तों यहाँ पे मोटर के बैक साइड पे हमने ये बेल्ट पुली लगा दिया है। अब जब हम मोटर को चलाएंगे तो जाहिर है ये मोटर की शाफ्ट घूमेगी और इसके ज़रिए ये बेल्ट पुली भी घूमेगा और फिर साथ में ये भी मोटर घूमेगी। हमने यहाँ पर पुली बड़ा लगाया है कि इसका स्पीड बढ़ जाए। अगर हम दोनों की पुली छोटी लगाएंगे तो यहाँ पे स्पीड कम हमें मिलेगी, इस वजह से हमने यहाँ पे पुली छोटी लगाई है और यहाँ पे पुली बढ़ा दिया है कि हम जब ये मोटर को चलाएं तो 1400 आरपीएम की मोटर जो है वो चलेगी, यहाँ पे हमें ज़्यादा आरपीएम मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये मोटर रेडी हो चुका है, अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों हमने मोटर को ऑन कर दिया है और अब हम इसके बोर्ड चेक कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हमें 30 वोल्ट नज़र आ रहा है, 30 वोल्ट डीसी के इसमें हमें शो हो रहे हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे इस मोटर को चला के चेक किया कि जब हम एसी मोटर को चलाते हैं तो डीसी मोटर से 30 वोल्ट जनरेट हो रहा है। अब इस 30 वोल्ट का हम करेंगे क्या, इससे हम क्या काम ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और डंकी पंप है जिसमें डीसी मोटर लगी हुई है, इसे बैटरी के ज़रिए चलाया जाता है, तो अब हम इसे इस मोटर के ज़रिए चलाएंगे। देखिए इस मोटर में कोई तार अटैच नहीं है, ये मोटर से जाएगा डायरेक्ट तार इस मोटर में लग रही है। अब हमने ये देखना है कि जब हम अपनी एसी मोटर को चलाते हैं तो ये मोटर चलती भी है या नहीं। हम इसके एम्पेयर को भी चेक करते हैं। यहां से इस मोटर के जरिए 6 एम्पेयर जनरेट हो रहे हैं, आप यहां पे देख सकते हैं इस मोटर का लोड तकरीबन 6 एम्पेयर के करीब है। और अगर हम इस मोटर की स्पीड की बात करें तो इस मोटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, आप इसके राड को देख के समझ सकते हैं, इसे 30 वोल्ट मिल रहे हैं, इस वजह से इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। एम्पेयर इसके कम है, वोल्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये मोटर जो है वो काफ़ी तेज़ स्पीड में घूम रही है।
दोस्तों अभी आपने देखा है कि चलते चलते जो हमारी बिजली वाली मोटर है उसने एकदम से धमाका किया है और उसका मेरे ख्याल में कैपेसिटर उड़ चुका है, कैपेसिटर जल चुका है। और कैपेसिटर जलने की वजह जो है ये डीसी मोटर है। डीसी मोटर के ज़रिए जब हम दूसरी डीसी मोटर को चलाते हैं तो वो मोटर जो है लोड ले रही होती है, जाम हो रही होती है, जाम चल रही होती है। जब वो मोटर जाम चलेगी तो जाहिर है एसी वाली मोटर पे जोर पड़ रही है और यकीनन इसके वाट्स भी बढ़ चुके होंगे। इस तरह कोई फ्री एनर्जी नहीं होती है दोस्तों, ये सब पैसे वाली एनर्जी है। अगर आप एसी मोटर में डीसी मोटर लगा के कुछ चलाते भी हैं तो उससे आपके एसी मोटर के वाट्स बढ़ जाते हैं और वो एनर्जी आपको फ्री नहीं पड़ती है बल्कि उसके आपको बिल पे करने होते हैं। मिसाल के तौर पे ये मोटर जो है 300 वाट की है तो अगर आप इसके ज़रिए ये डीसी मोटर चलाएंगे तो इसके वाट्स 500 तक जा सकते हैं। दोस्तों अब ऐसा करते हैं कि इस एसी मोटर के कैपेसिटर को चेंज करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से इसको चलाएंगे और खाली में इसका लोड चेक करेंगे और फिर ये डीसी मोटर को चला के दिखाएंगे, उस वक्त भी आपको इसका लोड चेक कराएंगे। दोस्तों यहाँ पे इस कागज़ को देखें, ये कागज़ गीला हो चुका है यानी हमारा ये कैपेसिटर फट चुका है। तो हम इस कैपेसिटर को खोल के दूसरा कैपेसिटर इसमें लगाने जा रहे हैं। ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्म है कैपेसिटर, ये आप कैपेसिटर की हालत देख सकते हैं, कैपेसिटर जो है वो बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। दोस्तों हमने इस मोटर का बेल्ट पीछे से निकाल दिया है, अब हम खाली में इस मोटर को चला के चेक करने जा रहे हैं इसके वाट्स को और फिर दोबारा से हम इस पे बेल्ट लगाएंगे, फिर इसके वाट्स को चेक करेंगे। यहाँ पे देखें ये हमारे पास स्मार्ट सॉकेट है और इसके ज़रिए हम इसके वाट्स चेक करेंगे। यहाँ पे आप वाट्स देख सकते हैं, 260 वाट्स ये मोटर ले रही है, 2.43 इसके एम्पियर हैं, 244 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पे देखें 247 वाट यानी 250 वाट के करीब करीब ये मोटर ले रही है। अब हम इसे बंद करते हैं, अब हम इस पे बेल्ट चढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों हम दोबारा से इसे चेक करने जा रहे हैं, दोस्तों अभी आपने देखा कि इसके एम्पेयर तो तकरीबन ज़्यादा नहीं बढ़े थे लेकिन इसके वाट्स काफ़ी बढ़ गए थे। 247 वाट जो है ये मोटर जो है पंप को चलाने में ले रही थी लेकिन जब हमने डीसी मोटर को इसके साथ अटैच किया तो इसके वाट जो है वो 410 के करीब हो गए। अब डीसी मोटर पे कोई लोड नहीं है, अब हम लोड का इस पर डालते हैं, इस मोटर का लोड डालते हैं और फिर देखते हैं कि इसके वाट्स कितने होते हैं। ये इसके एम्पेयर जो है वो 8 तक जा रहे हैं, इसीलिए जो है ये ट्रिप हो जा रहा है, ये हमारा स्मार्ट सॉकेट जो है इसे ट्रिप कर दे रहा है। एकदम से इसके एम्पेयर बढ़ रहे हैं, जब ये मोटर चल रही है एम्पेयर इसके बढ़ रहे हैं, वो 8 से क्रॉस हो रहे हैं, इस वजह से ये जो है बार बार ये ट्रिप हो रहा है। आठ एम्पेयर जो है ये मोटर ले रही है। दोस्तों अभी आपने देखा कि जब जब हम इसे चला रहे हैं तो इसके वाट्स ज़्यादा होने की वजह से, एम्पेयर ज़्यादा होने की वजह से ये स्मार्ट सॉकेट जो है ट्रिप हो जा रहा है, बार बार इसकी लाइन को कट ऑफ कर दे रहा है। इस वक्त जो है इसके एम्पेयर तकरीबन 9 के करीब जा रहे हैं। दोबारा से हम इसे चेक करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही मोटर ऑन होगी आप इस पर गौर कीजिए, 8 एम्पेयर हैं। दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने बड़ी कोशिश की है इसे चलाने की लेकिन हमारा स्मार्ट सॉकेट इसे चला नहीं रहा। इससे पहले हम स्मार्ट सॉकेट के बगैर डायरेक्ट इसे चला रहे थे, इसी वजह से एकदम से फ्लश हुआ और कैपेसिटर जो है धमाका कर दिया, कैपेसिटर फट गया और दोबारा हमने कैपेसिटर को चेंज किया है। अब स्मार्ट सॉकेट के थ्रू हम इसे चला रहे हैं तो स्मार्ट सॉकेट जो है वो एक प्रोटेक्टर है, ओवरलोड होने नहीं देता है, इसी वजह से इस मोटर के लोड बहुत ज़्यादा अबो हो रहे हैं और जबकि ये मोटर 3 से 4 एम्पेयर की मोटर है ज़्यादा, और ये मोटर जो है 8-9 एम्पेयर क्रॉस कर रही है तभी वो इसे
ऑफ कर दे रहा है। हासिल कलाम यह है दोस्तों कि इस फ्री एनर्जी के एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम हुआ कि हम इस तरह से जुगाड़ करके कोई फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, कोई फ्री एनर्जी नहीं बना सकते हैं, इस तरह हम सिर्फ लॉस करेंगे। और अगर हम किसी तरह इस मोटर को घुमा भी लेते हैं तो आपके सामने इससे मोटर के वाट्स बढ़ जाते हैं, लोड बढ़ जाता है, तो आपको कोई फ्री एनर्जी नहीं मिलती है, आपको बिजली का बिल पे करना होता है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आप जो है इस तरह से तजर्बा करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।